तो दोस्तों फाइनली हमारे इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर के लिए मिस्ट्री स्वैप का इवेंट कंफर्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री स्वैप आने वाली है इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर के अंदर। तो कौन कौन से आइटम आएंगे एंड कौन सी डेट को आएंगे, आगे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को रमजान स्पेशल कुछ इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे नए नए और रेयर और बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम निकल के आए हुए हैं जो कि यार आप लोग को आने वाले OB44 अपडेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए यार, सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे यार फ्री फायर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मिलते रहे। है ना, अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनकी लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मनपसंद और बहुत ही पसंद करने वाला इमोट जिसका नाम है थ्रोन इमोट, इसके बारे में सबसे पहले अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि थ्रोन इमोट आप लोगों को कब वापस से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार काफी देर से हमारे दोस्त एंड भाई लोग थे जो कि यार इसके बारे में पूछ रहे थे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, यहां पर इस वाले इमोट से रिलेटेड एक बंडल डिजाइन किया गया है। जी हां दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, कुछ इस टाइप का आप लोगों को ये बंडल देखने को मिल जाएगा, जिसके हाथ में एक कटाना की भी स्किन है। एंड ये जो बंडल है वो भी भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत ही अच्छे लुक के साथ डिजाइन किया गया है। एंड अगर आप लोग ध्यान दोगे इस बंडल पे, तो भैया जो इसका एनिमेशन है वो यहां पर थ्रोन इमोट के ऊपर देखने को मिल जा रहा है। पीछे ये एक कुर्सी पर बैठा हुआ है जो कि हमारा थ्रोन वाला इमोट वाला कुर्सी है। तो भाई जब ये कॉस्ट्यूम आप लोग को गेम के अंदर देखने को मिलेगा, तब ये इमोट भी देखने को मिल जाएगा। एंड उसी की थीम पर बेस्ड ये फीमेल का कॉस्ट्यूम भी आप लोग देख ही सकते हो। तो ये जो कॉस्ट्यूम है हमारे OB44 अपडेट के लिए डिजाइन किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को ये इमोट एंड बंडल देखने को मिल जाएगा। अगला अपडेट निकल के आया हुआ है इमोट रॉयल रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आने वाली से 6 अप्रैल को जो कि यार आप लोग देख ही सकते हो रमादान स्पेशल रहने वाला रहेगा हमारे गेम के लिए। तो उसी 6 अप्रैल को आप लोग को ये इमोट सही साथ दोस्तों रमादान स्पेशल ये कॉस्ट्यूम एंड जो रमजान की थीम पर बेस्ड यहाँ पर कटाना की स्किन एंड जो स्कार्फ है, ये 4 से 5 आइटम आप लोग को इस लक रॉयल के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए 6 तारीख को ये इवेंट गेम के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग को ये आइटम कैसे लगे कमेंट करके दोस्तों जोर से बताइएगा। बाकी अगर इसको पसंद आप लोग को आता है तो आप लोग इसके अंदर डायमंड स्पिन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आने वाले OB44 अपडेट के अंदर काफ़ी ढेर सारी नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें डिजाइन की गई हैं। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगी भैया आप लोग इन सारे आइटम पर अपना डायमंड वेस्ट मत करो, सेव करो। OB44 अपडेट जब आ जाएगा तब आप लोग डायमंड यूज करना। बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ जो कि रहने वाला मिस्ट्री शॉप के रिगार्डिंग। फाइनली दोस्तों मिस्ट्री शॉप इंडिया वाले सर्वर के लिए कंफर्म हो चुकी है, जिसकी डेट निकल के आ चुकी है 4 अप्रैल की। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 4 तारीख को आप लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगी इंडिया बांग्लादेश सर्वर के लिए, जहाँ पर दोस्तों ये भी हमारा रमजान स्पेशल थीम पर रहने वाला है, जहाँ पर हमारा रमजान का जो मेन वाला कॉस्ट्यूम है ये आप लोग को इस मिस्ट्री शॉप के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। एंड सही साथ दोस्तों, इसके अलावा जो इसका फीमेल का कॉस्ट्यूम है वो भी देखने को मिल जाएगा उसे मिस्ट्री शॉप के अंदर। एंड अगर कॉस्ट्यूम के बारे में बात करें तो भाई ब्लू कलर का इसका पूरा का पूरा यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, सब कुछ हेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर ब्लू कलर की थीम पर बेस्ड रखा गया है। तो आप लोग को ये मेल एंड फीमेल का कॉस्ट्यूम कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों 4 तारीख को ये मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगी। एंड मिस्ट्री शॉप में कितने परसेंट का डिस्काउंट आप लोग को मिलता है ये भी कमेंट करके बताना। गिफ्ट ऑफ रमदान इवेंट यानी दोस्तों रमदान विश इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम पर ऑलरेडी काफी डेट सारे इवेंट जो है हमारे रमजान से रिलेटेड निकल के आ चुके हैं। तो रमजान विश इवेंट के बारे में कंफर्म बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये इवेंट का बैनर या फिर कोई भी लिख निकल के आती है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर देना। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते अपने अगले नंबर के अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ चुका है एक स्पेशल टाइप के बॉक्सेस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को गेम के अंदर कुछ क्रेट्स देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी ऐड होते हुए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यूनिवर्सल टोकन देखने को मिल सकता है इन क्रेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेट सारे के अंदर ऑलरेडी ये क्रेट्स को ऐड किया जा चुका है। यहाँ पर आप लोग इन क्रेट्स को परचेज करने के बाद अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को 1 से लेकर 10 तक का यूनिवर्सल टोकन क्लेम करने को मिल सकता है। तो आप लोग को ये यूनिवर्सल टोकन वाला क्रेट हमारे गेम के अंदर चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। बाकी यार कितना यूनिवर्सल टोकन आपके पास है ये भी जरूर से बताना। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मैंने बताया कि भैया मिस्ट्री शॉप हमारी अप्रैल मंथ के अंदर आने वाली, तो क्या लकी व्हील इवेंट भी आएगा कि नहीं आएगा गेम के अंदर, ये आप लोग के मन में डाउट बना हुआ होगा। तो भैया लकी व्हील इवेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये आएगा हमारे मई मंथ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हमारा मार्च मंथ के अंदर तो लकी व्हील आया हुआ था, उसके बाद अप्रैल मंथ के अंदर दोस्तों हम लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगी। एंड अप्रैल मंथ के बाद जब दोस्तों मई मंथ आएगा तो मई मंथ के अंदर आप लोग को लकी व्हील इवेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ये वाला मेल का कॉस्ट्यूम जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसा दोस्तों एक फीमेल का कॉस्ट्यूम
जो कि यार उसी थीम पर बेस्ड देखने को मिल जा रहा है, ये भी आप लोगों को उसी लकी व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड ये लकी व्हील दोस्तों मई मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों को पता है कि लकी व्हील इवेंट जब आता है तो वही मंथ के स्टार्टिंग में आता है, तो इसकी डेट भी मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ। मान के चलो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में हमारा लकी व्हील इवेंट देखने को मिल जाएगा। हाई चांस है कि 13 या फिर 14 मई को देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के रिकॉर्डिंग एक अपडेट निकल के आया हुआ है। ऐसा लीक निकल के आ रहा है कि आप लोगों को ये वाले कॉस्ट्यूम जो है टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर दोस्तों गोल्डन स्टेट की थीम पर बेस्ड जो हमारा कॉस्ट्यूम निकल के आया हुआ है वो टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब टॉप अप इवेंट क्या आएगा ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, बस इसकी खाली लीक निकल के आ रही है कि आप लोगों को ये कुछ इन टाइप के कॉस्ट्यूम जो है टॉप अप इवेंट के अंदर अवेलेबल कराए जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भैया अगर ऐसे आइटम आते हैं टॉप अप इवेंट के अंदर तो आप लोग इसके अंदर स्पिन मत करना, मतलब डायमंड वगैरह मत लगाना, टॉप अप वगैरह मत करना। आप लोग अपने डायमंड वगैरह सेव कर लो, अभी टॉप अप मत करो, जब कुछ अच्छा टॉप अप इवेंट आएगा तब टॉप अप कर लेना। अगला अपडेट निकल गया है डिमांडिंग आइटम जो कि हमारे दोस्तों चिकन वाले एक्समेट की स्किन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में काफी ढेर सारे प्लेयर्स अभी तक पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई ये कब आएगा, इसकी डेट बताओ, डेट बताओ। देखो दोस्तों, इसकी डेट जो है अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ इवेंट जो है कंफर्म हो चुका है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चिकन एक्समेट की थीम पर बेस्ड एक म्यूजिक यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अगर आप लोग गूगल पर जाकर एप्पल म्यूजिक सर्च करते हो एंड उसके अंदर अगर आप लोग फ्री फायर म्यूजिक सर्च करोगे तो वहां पर नंबर वन पर आप लोगों ये हमारी चिकन एक्समेट की थीम से रिलेटेड एक सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग सुन भी सकते हो। एंड इसको आप लोग पब्लिकली यूज नहीं कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि भाई अगर यूज करोगे तो इस पे आप लोगों को कॉपीराइट आ जाएगा। मैं ये चीज पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से भैया सुन सकते हो बस, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नेम है वो है चिकी वर्जन, ठीक है, फ्री फायर ओरिजिनल लॉबी चिकी वर्जन, तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक। अगला अपडेट निकल के आया हुआ है हमारा ऑगी एंड कॉकरोचेस से रिलेटेड एक यहाँ पर मैप हमारे गेम के अंदर डिजाइन किया गया है। हमारे फ्री फायर का ही कोई एक प्लेयर है जिसने ये मैप को डिजाइन किया हुआ है ऑगी एंड कॉकरोचेस की थीम पर बेस। यहाँ पर देखते हो भाई इसका कुछ इस टाइप का बेडरूम रहता है, कुछ इस टाइप का गैराज वगैरह रहता है। अगर आप लोगों ने ऑगी एंड कॉकरोचेस वाला कार्टून देखा होगा तो भाई आप लोग को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों जो सीढ़ी रहती है वो काफी बड़ी रहती है, लेकिन इसने छोटी सी सीढ़ी बनाई हुई है। एंड ये रहा इसका टीवी वाला रूम जहाँ पर वो टीवी बैठ के देखता है। बाकी दोस्तों इसका मैप कोड जो है वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, नीचे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास दोस्तों ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग मैप कोड हो तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी रिव्यू करके दिखाएंगे और सबको बताएंगे भी। एंड दोस्तों आप लोग को ये मैप कोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड ऐसे ही और अच्छे अच्छे मैप्स के लिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ठीक है। एंड ये जो भाई मैप कोड इसने डिजाइन किया है अच्छा है मैप कोड, लेकिन भाई जो इसका कलर है यहाँ पर इसने काफी द बूस्ट कर दिया है, तो देखने में थोड़ा सा भाई अजीब ही लग रहा है। बाकी दोस्तों बंदे ने मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों टाटा बाय बाय।